प्यार जो कृष्ण की बांसुरी की तान में है, जो राधा की पायल की झनकार में है, प्यार जो राम की प्रतीक्षा करती आंखों में है, जो सीता के विश्वास में है, प्यार जो शिव के बिछड़ने की पीड़ा में है, जो पार्वती के इंतजार में है, प्यार जो माँ यशोदा की डांट में है, जो राजा दशरथ के प्राण त्याग में है, प्यार जो हनुमान जी की भक्ति में है, जो मीरा के अलापों की शक्ति में है, प्यार जो गोपियों की रासलीला की आस में है, जो शबरी के बेरों की मिठास में है, प्यार जो मुझ में है, जो तुम में है, जो इस ब्रह्मांड की हर आत्मा में है। प्यार एक ऐसा शब्द है जिसके हजार मायने हैं। प्यार, मोहब्बत, इश्क, प्रेम, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका आधार एक है, लेकिन हर किसी के लिए इनके मायने अलग अलग हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर प्यार होता क्या है। क्या प्यार वो है जो हम बॉलीवुड मूवीज में देखते आ रहे हैं, या फिर वो जो किताबों में या शायरियों में पढ़ते हैं, या फिर वो जो सदियों से हमारे पुराणों में पढ़ते आ रहे हैं, या फिर प्यार वो है जो आजकल की डेटिंग एरा में एग्जिस्ट करता है। एक ही शब्द के इतने मतलब कैसे हो सकते हैं? क्या प्यार को समझना सच में इतना कठिन है? मैं समझना चाहती हूँ कि असल में प्यार होता क्या है। इट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग अ पर्सन कैन एक्सपीरियंस। प्यार का कोई इंटेंशन नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, मतलब प्यार में मतलब नहीं आता है। इट्स जस्ट गिविंग एंड जस्ट बीइंग योर ओन बेस्ट सेल्फ। रियल लव तो मूवीज वगैरह में ही देखा है, सामने से बहुत रेयर देखा है। लाइक एकदम प्योर लव होना थोड़ा डिफिकल्ट है। मुझे नहीं लगता प्यार को सेलिब्रेट करना चाहिए। प्यार हर रोज होता है, एक इंसान से होता है और बार बार होता है। प्यार करने के लिए कुछ रीजन तो चाहिए नहीं, और डेज की तो जरूरत ही नहीं है। ये गिफ्ट दो, वो गिफ्ट दो। इट शुड बी ऑफ ट्रस्ट, केयर, रिस्पेक्ट। इट शुड बी फॉर ओनली वन पर्सन। इट्स आर वन पर्सन। जितने टाइम वो अपने साथ है उतने टाइम ही होता है, उसके बाद नहीं। प्यार अच्छा नहीं है, प्यार एकदम परफेक्ट भी है और एकदम परफेक्ट भी नहीं है। मतलब मेरे को प्यार पसंद नहीं है और मेरे को फ्रेंड्स लोग पसंद। प्यार तो देखो दो रूह के बीच होता है, और जो आगे चल के फैमिली बसाते हैं, एक नया फ्यूचर शुरू करते हैं अपना, तो उसी की बेसिकली प्यार तो उसी पे डिपेंड करता है। सडनली आप किसी को देख के अगर प्यार बोल रहे हो, वो तो अट्रैक्शन हो गया, वो कोई प्यार नहीं होता, वो तो अट्रैक्शन है बस। प्यार जो है वो अल्टीमेट सैक्रिफाइस का मतलब है। यदि आप अल्टीमेट सैक्रिफाइस नहीं करोगे तो उसको प्यार नहीं कह सकते। प्यार कृष्ण और सुदामा में होता था। सुदामा और कृष्ण एक दूसरे को नहीं मिलते थे, लेकिन जैसे ही कृष्ण को पता चलता था कि सुदामा उनके द्वार पे आए हैं, तो वो दौड़े आते थे और उनका पैर धो के पी लेते थे, और उसके बाद वो वर्षों नहीं मिलते थे। प्यार राधा और कृष्ण में था। प्यार ऐसे बहुत लोगों में देखने को मिलते हैं। प्यार होने का मतलब यही नहीं है कि आप जीवन भर एक दूसरे के साथ रहोगे या एक दूसरे के सामने रहोगे। प्यार वो है जो आपके आपका नज़रिया दूसरे को समझ ही ना आए ना, वो होता है प्यार। बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है, सबके लिए अलग अलग चीज़ होता है। इतना सब सुनने के बाद मैं और ज़्यादा कंफ्यूज हो गई हूँ। मैं ना प्यार का मतलब कहानियों में ढूंढ रही थी, लेकिन तब समझ में आया कि थ्योरी से समझने से बेहतर होगा कि लोगों के एक्सपीरियंसेस से, लोगों के पर्सपेक्टिव से, उनकी ओपिनियन से प्यार को समझा जाए। तो इसी उलझन को सुलझाने के लिए हमारी टीम ने कई सारे लोगों से, कई सारे कपल से बात की, और ये जानने की कोशिश की कि आखिर उनके लिए प्यार क्या है। हेलो। हेलो। आपका नाम बताइए प्लीज। मेरा नाम नरेंद्र पवार। मेरा स्नेहल मस्कर। शैलजा अवस्थी। माय नेम इज सुनील अवस्थी। स्वाति। उत्कर्ष। उसकी भी एक छोटी सी स्टोरी है। नेबर थे हम लोग पहले, एंड मतलब इनके बिल्डिंग में मैं एज अ रेंट पे आई थी सामने। रिश्ता पहले फिक्स हुआ, फिर हम लोग मिले, फिर शादी हुई। मेरे को मुझे लगा टाइम पास कर रहा है ये। नहीं, मैंने तो फर्स्ट टाइम ही देखा था। मुझे लगा वो वाला देखते अभी जितना जाएगा उतना खींचेंगे। आपका पहला प्यार होता है, आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें अच्छी अच्छी दिखाओ, आप अच्छे से पहनो, अच्छी जगह जाओ, सो यू ट्राई एंड लूज द ओरिजिनल पार्ट ऑफ योर सेल्फ। और स्वाति के साथ जब मैं आया तो
हर वक्त मुझे ये लगता था कि आई विल ट्राई एंड प्रेजेंट माई सेल्फ द वे आई एम. और उस चीज़ को स्वाति बहुत अच्छे से लेती थी, उसको रिस्पेक्ट करती थी, उस चीज़ को एक्नॉलेज करती थी. फिर धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि हाँ, शायद स्वाति ही है जिसके साथ मैं अपना सारा टाइम स्पेंड कर सकता हूँ. अगर हम साइंस की माने तो प्यार केवल एक हार्मोनल चेंज है. ऑक्सीटोसिन यानी लव हार्मोन और डोपामीन यानी हैप्पीनेस हार्मोन का एक ऐसा रश जो बॉडी को थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड कर देता है. लेकिन हमारे पुराणों में ऐसी कई कहानियाँ हैं जिन्हें शायद साइंस कभी समझ ही नहीं सकती, क्योंकि आत्मा का आत्मा से मिलना यानी दो सोल्स का कनेक्ट होना ये साइंस की समझ से अभी काफ़ी दूर है. सोलमेट्स क्या होते हैं? सोलमेट्स क्या होते हैं? ओके, प्रॉबेबली दो लोग जो एक दूसरे को अनकंडीशनल प्यार करते हैं विदाउट एनी कंडीशंस एंड जो एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार हैं, एंड प्रॉबेबली हु जस्ट लव ईच अदर मैसिवली. प्यार का पहला स्टेप होता है अट्रैक्शन, जब आपको किसी इंसान के साथ वक्त बिताकर ही खुशी मिल जाती है. कुछ लोगों का मानना है कि इस चीज़ की शुरुआत एक स्ट्रॉन्ग इमोशन से होती है, अट्रैक्शन से होती है. वहीं कुछ लोग ना लव एट फर्स्ट साइट पे मानते हैं. एक्चुअल लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये होता है कि आप क्या महसूस करते हो, आपकी जो वाइब्रेशंस होते हैं, आपकी जो फ्रीक्वेंसीज होती है, उसके अकॉर्डिंगली आप वो चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाती हो. सिर्फ वो सोचने से नहीं होता है, उसको आपको महसूस करना पड़ता है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन पॉसिबिलिटी पे चलता है, और जितना बिलीव स्ट्रांग होगा उतने आपके वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसीज पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे, और आप महसूस करोगे कि आई एम गोइंग टू मैनिफेस्ट दिस स्पेसिफिक पर्सन. ये वो मिट्टी है जहाँ राधा कृष्ण ने रासलीला रचाई है, जहाँ श्री राम ने सीता जी तक पहुँचने के लिए समुद्र पर सेतु बनाया है. ये वो मिट्टी है जहाँ शक्ति ने शिव का होने के लिए हजारों वर्षों तक तप किया है. हमारे पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी तो सिर्फ शिव जी को ये काम सौंपा था. लेकिन जिस प्रकार शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं, इस दुनिया की रचना भी शक्ति के बिना नहीं हो पाती, इसलिए ब्रह्मा जी ने शक्ति की आराधना की. शिव और शक्ति का मिलन ही इस ब्रह्मांड की रचना का बेसिस बना, और प्रेम का ओरिजिन भी. ये प्रतीक है इस बात का कि भले ही इंसान हो या भगवान, प्रेम की अहमियत हर जगह एक सी है. हमारे पुराणों में प्रेम शब्द को सिर्फ एक ऊपरी भाव के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि ये दो आत्माओं के बीच का गहरा मिलन होता है. सिया राम, राधे कृष्ण, गौरी शंकर, ये नाम जो हमेशा साथ में लिए जाते हैं, जो इस पूरे ब्रह्मांड को प्यार सिखाते हैं. सनातन धर्म में प्रेम की ये परिभाषा है. दो जिस्म एक जान की बातें जो आजकल लोग मजाक में उड़ा देते हैं, हमारा इतिहास इसी की नींव पर लिखा गया है. हमारा इतिहास प्रेम की नींव पर लिखा गया है. मुझे ऐसा लगता है कि आजकल चीज़ें इतना ज़्यादा ऑनलाइन या एप्लीकेशन बेस्ड हो गई हैं, शायद लोगों को असलियत में बाहर निकलना ज़्यादा ज़रूरी है. डेटिंग ऐप एंड ऑल, आई डोंट थिंक इट वर्क्स. बहुत प्रॉब्लमेटिक है उसमें, बट देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज इन इट. आप अपनी वाइफ से कैसे मिले? बंबल पे. हाँ, मतलब ऐसे ही बम्बल इंस्टॉल किया, एंड देन यू गो थ्रू द यूजुअल राउंड्स ऑफ लाइक यू नो मैचिंग एंड मैचिंग वगैरह, एंड देन वी जस्ट लाइक स्ट्रक. हाउ कैन यू जस्ट मीट अ पर्सन ऑन अ ऐप फॉर वन डे एंड टू डेज, एंड यू गो आउट विद हिम एंड देन यू कम बैक विद अस? इट डजंट वर्क. अभी आप जानते भी नहीं हैं उसको. लाइक वी बिकेम रियली गुड फ्रेंड्स इनिशियली, एंड देन द होल डेटिंग एस्पेक्ट केम टू प्ले. सो आज भी अगर कुछ होता है, आई नो आई हैव अ बेस्ट फ्रेंड एट होम बिफोर आई एक्नॉलेज द फैक्ट कि I have my wife waiting for me at home. Technology को यदि अच्छे से approach किया जाए तो हर एक चीज़ अच्छा होता है. आज dating apps है, आज से पहले हमारे यदि आप culture में देखो तो designated जो है कि उनको घर जोड़ू कहते थे, है ना, वो पंडित होते थे या पुरोहित होते थे जो अलग अलग घरों में जाके संस्कार पूजा इत्यादि कराते थे, तो उनको पता होता था कि इस घर का वातावरण कैसा है, इस घर के लोग कैसे हैं, जिनमें बात की सारी चीजें होती थी, कुंडली देखना, गोत्रों का फर्क होना, परिवार इन्वॉल्व होता था इन डिसीजन मेकिंग. अब क्या हो रहा है, आप इंडिविजुअल कॉल ले रहे हो, आप अपने चॉइसेस ले रहे हो, विच इज नॉट बैड, बट क्या आप सक्षम हो, क्या आप अच्छा डिसीजन मेकिंग कर रहे हो? लव, लस्ट, अट्रैक्शन, डिजायर, कंपेनियनशिप, ये सारे शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. काम यानी किसी के प्रति बहुत स्ट्रॉन्ग फिजिकल डिजायर होना भी प्रेम का ही एक रूप है, और इससे जुड़ी कई सारी कहानियाँ हमारे ग्रंथों में भी मिलती हैं. प्यार, इश्क, मोहब्बत, लव,
ये सब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड है फिजिकल अट्रैक्शन से भी. और ये फिजिकल अट्रैक्शन के जो देवता हैं उनका नाम है कामदेव. तो जब शिव जी योग में, योग निद्रा में व्यस्त थे, उनको डिस्टर्ब किया गया था क्योंकि उनका योग तोड़ना था. सारे देवताओं ने कामदेव को ये काम दिया कि इनको इस सिचुएशन से, इस पोजीशन से बाहर लाओ, इनके अंदर उमंग जगाओ. कामदेव ने ऐसा किया, लेकिन जब शिव जी ने आँखें खोली तो नाराज थे, और आँखें जब खोली तो गुस्से से उन्होंने त्रिनेत्र भी खोला, और त्रिनेत्र से जो जो सबसे पहले भस्म हुए जो देवता, वो थे कामदेव. महादेव जो अब तक अपनी पत्नी देवी सती की मृत्यु से दुखी होकर ध्यान में लीन थे, कामदेव के कारण उनका ध्यान भंग हो गया और ये संसार की रक्षा करने के लिए आवश्यक था. इसके बाद ही आगे चलकर उनका विवाह माँ पार्वती से हुआ और उनके पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर नाम के राक्षस का वध किया. हमारे इसी इतिहास में छुपी है प्रेम और समर्पण की एक और कहानी, सत्यवान और सावित्री की प्रेम कथा, जो महाभारत के वन पर्व में सुनाई गई है. ये कहानी हमें ले जाती है मद्र राज में, जहाँ की खूबसूरत राजकुमारी सावित्री ने सत्यवान को अपने पति के रूप में स्वीकार करने का फैसला कर लिया था. सत्यवान शाल्व राज के अंधे राजा द्युत्नसेन के बेटे थे. उनके राज पर दुश्मनों ने कब्जा कर लिया था और इसीलिए सत्यवान अपने परिवार के साथ जंगलों में रह रहे थे. लेकिन सबसे बड़ी परेशानी की बात तो ये थी कि सत्यवान की लाइफ कम थी, यानी कि उस दिन से लेकर सत्यवान के जीवन का केवल एक साल बचा था. ये सच जानते हुए भी सावित्री सत्यवान से विवाह करने का फैसला ले चुकी थी. सावित्री के पिता अश्वपति ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन सावित्री ने इन सभी बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपने प्रेम को सबसे ऊपर चुना. सत्यवान और सावित्री का विवाह हो गया. कुछ ही दिनों में सावित्री तन मन से अपने नए परिवार में ढल गई. एक साल में उन्होंने धर्म पुराण और वेदों का संपूर्ण ज्ञान ले लिया और अपने पति की लंबी आयु के लिए तप करने लगी. लेकिन फिर सत्यवान की मृत्यु का दिन आ गया. सत्यवान लकड़ी काटने के लिए बाहर गए थे. जब वो घर लौटे तो उनका शरीर ढीला पड़ चुका था. वो थक कर सावित्री की गोद में सर रख कर सो गए और तभी यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए. तब सावित्री ने उनके सामने धर्म और पुराणों की बातें करना शुरू कर दिया. ये सारी बातें सुनकर यमराज प्रसन्न हो गए और उन्होंने सावित्री की एक इच्छा पूरी करने का वरदान दे दिया, सिवाय सत्यवान के प्राणों के. सावित्री ने बड़ी चतुराई से जवाब दिया, मैं चाहती हूँ कि मेरे ससुर महल के बगीचे में अपने 100 पोतों को खेलते हुए देखे. और इसी प्रकार उसने अपने ससुर की आँखें, अपना खोया हुआ राज्य और 100 बच्चे और सत्यवान की जान सब एक साथ मांग लिया. सावित्री के इस चतुर जवाब को सुनकर यमराज खुश हो गए और उन्होंने सत्यवान के प्राणों के साथ सब कुछ लौटा दिया. तो इस तरह सावित्री ने अपने प्यार की ताकत से समय, किस्मत और यहाँ तक की मृत्यु को भी हरा दिया था. कि तुझसे बिछड़े महीने गुजरे, हम अब तक सोए ना, बिखरे सिर्फ तेरे आगे, किसी और के आगे रोए ना. बिखरे सिर्फ तेरे आगे, किसी और के आगे रोए ना. हर दुआ में वादा मांगू मेरे उस खुदा से, हर दुआ में वादा मांगूं मेरे उस खुदा से, कोई चाहने वाला घर हो महबूब को अपने खोए ना. कोई चाहने वाला घर हो महबूब को अपने खोए ना. और एक वक्त था तब जानी, एक वक्त था तब जानी, मेरे रोने पे वो मरती थी. एक वक्त था तब जानी, मेरे रोने पे वो मरती थी. आज का आलम ऐसा, मेरे मरने पे भी रोए ना. Nowadays things have become, people have become very impatient, very very impatient. We literally read each other's minds, and we complete each other's sentences like all the time. It just happens all the time. To know your wife or the wife to know you as a husband, it's a lifelong process. मैं हम ना ऑफिस से वापस आया मैं और स्वाति ना पता नहीं किस मूड में थी, बहुत अच्छा दिन रहा या कुछ हुआ तो वापस आई. मैं बैठा काम कर रहा था, पता है उदय एक चीज़ बतानी है तुमको. मैंने बोला हाँ बताओ. मेरे पास ना अभी इतने कपड़े हैं कि मैं 3 महीने तक ना सेम टॉप रिपीट नहीं करूंगी. तो मुझे अच्छा 3 महीने मतलब ऑलमोस्ट 90 हो गए, उसके बाद भी चलो पकड़ लो. मेरा अगले दिन फ्लिपकार्ट के 5-7 पैकेजेस आ रहे थे मिंत्रा के, और वो मैं बोला तुम तो कल कह रही थी कि मेरे पास 100 डेज टाइप के कपड़े हैं जो रिपीट नहीं करोगी. अरे तो क्या हो गया, मतलब अभी अगर पहनना हो तो कौन सा पहनूंगी. हमने अक्सर लोगों को ये शिकायत करते हुए सुना है कि उनकी वाइफ या गर्लफ्रेंड किसी भी बात पे गुस्सा हो जाती है
और फिर रूठना मनाने का सिलसिला चलता ही रहता है। लेकिन अब सोचिए कि इन सभी बातों से इंसान अकेले परेशान नहीं है, बल्कि कभी कभी इस नोक झोंक से खुद भगवान भी नहीं बच सकते। और इसी प्यार भरी नोक झोंक का प्रतीक है उत्तराखंड में मनाया जाने वाला सातू आठू फेस्टिवल। अजेरा एक ऐसा गांव है जिसे माता पार्वती का मायका माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस फेस्टिवल के दौरान सप्तमी के दिन माता पार्वती शिव जी से नाराज हो जाती है और कैलाश पर्वत को छोड़कर अपने मायके चली जाती है। और फिर अष्टमी के दिन शिव जी उन्हें मनाने के लिए अपना धाम छोड़कर अपने ससुराल आते हैं। इस दौरान पूरे गांव में उत्सव का माहौल होता है और कुछ दिनों बाद गांव के सभी लोग बड़े धूमधाम से शिव जी और पार्वती को दूल्हे दुल्हन की तरह विदा करते हैं। अब कुछ खट्टी मीठी नोक झोंक तो हर रिश्ते का हिस्सा होती है। रिलेशनशिप रखना ये बहुत ईजी बात नहीं है, अगर तुम निभा सकते हो तो ही रखो, अगर नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, बी सिंगल। सिंगल होना भी बहुत अच्छी बात होती है। इट्स बीन 5 इयर्स सिंस वी नो ईच अदर। होते हैं आर्ग्यूमेंट्स, होते हैं डिसएग्रीमेंट्स, बट एट द एंड ऑफ द डे आफ्टर एनी मेजर इंसिडेंट 5 मिनट बाद वन ऑफ अस हैज टू आस्क द अदर कि लिसन आर यू ओके, लाइक कुछ लाओ। दिन में तीनों टाइम आप खीर भी नहीं खा सकते ना मतलब कभी कभी थोड़ा स्पाइसी भी होना चाहिए ताकि आपको पता रहे स्पेस भी मिलता है थोड़ी देर, दोनों बात नहीं करते ना तो अपने में रहने सही। लेकिन सुलेश हमेशा मैं करता है। ऐसा नहीं है। हाँ हाँ। कभी मैं भी करती हूँ। कब? मैं सॉन्ग्स लगा देती हूँ एज यूजुअल, लाइक आई सेड कि कुछ ही देर में यू नो निपटा लेते हैं बिकॉज वी केयर अबाउट ईच अदर सो मच। सो शी मेड अप फॉर इट बाय हरसेल्फ बाय सेंडिंग मी सम केक which I'm not going to share with anybody. I also got some Kit Kat, which also I'm not going to share with everybody, right? Yeah, that is for you. So you know how to take a break. Thank you so much. You're welcome. Really means a lot. 18 की स्टेज को पार करने के बाद दो लोगों के बीच बॉन्डिंग बढ़ने लगती है और फिर यही अट्रैक्शन एक हेल्दी रिलेशनशिप में बदलने लगता है। प्यार, इश्क, मोहब्बत, हार्ट ब्रेक, ये लोगों को बहुत इफेक्ट करता है, लेकिन ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में बहुत सारे लोग खुलकर बात नहीं कर पाते। मेरे एक्स का एक फेवरेट सॉन्ग था, साथ निभाए सो तू जन्नो ही जन्नो का तोए प्यार ही रहे सारे तकता रहूं तेरी निगाहों को दर-बदर के कुछ तो कह जाएगी। हाँ, एक शेर है ना, वो कहते हैं कि इश्क में तूने मेरा बुरा हाल कर दिया, आई लव यू लिख के सेंड टू ऑल कर दिया। थैंक्स। यस, आई आल्सो वेंट थ्रू अ हार्ट ब्रेक बिफोर आई मेट माय वाइफ, क्वाइट अ फ्यू टाइम्स एक्चुअली, बट इट्स जस्ट द एटीट्यूड ऑफ इट टू शॉल पास। होता है, मतलब बुरी चीज़ें तो होनी ही है, एंड दैट इज those things only happen to you so that when you meet the right person or when you're in the right circumstance you understand the value of it. Like after all those heartbreaks I understood the person now that I'm with, I really appreciate her, I really like you know admire her. So I had to go through all those things to know ki you know there is such a wonderful person in life as well. Pyar mein na thoda bahut obsession normal hai, lekin kabhi kabhi ye obsession sari hadon ko paar karke bahut zyada badh jata hai, इतना ज्यादा कि कई बार ये जुनून एक खतरनाक मोड़ भी ले सकता है। जब एक प्रेमी या फिर कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को वशीभूत करना चाहता है, आकर्षित करना चाहता है अपने प्रति, उसे कहते हैं वशीकरण। बहुत लोग आते हैं हमारे पास ये कहने के लिए कि हमारे जो प्रेमी हैं, हमारे बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड जो हैं, हमें ये लगता है कि उनके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, वो हमसे दूर होते जा रहे हैं। तो जब आपको आपके जीवन में आपको बार बार ये संकेत मिले कि हाँ कुछ सही नहीं है, तब जाकर उसके ऊपर थोड़ा एनालिसिस करिए और बाद में देखने का प्रयत्न करिए कि वास्तव में ये अभिचार क्रिया है या फिर मेरे मन का एक वहम मात्र है। प्यार की कोई एक डेफिनेशन हो ही नहीं सकती, वो तो हर जगह है। प्यार कहीं भी किसी के बीच भी हो सकता है, अब चाहे वो दो ऑपोजिट जेंडर के लोग हो या समलैंगिक यानी सेम सेक्स वालों के बीच। लव इज लव, और ये मैं नहीं कह रही, हमारा इतिहास कहता है। कई लोगों का ना ऐसा मानना है कि ये बाहर का कल्चर है, पर सेम सेक्स रिलेशनशिप्स किसी वेस्टर्न कल्चर का हिस्सा नहीं है। हमारे पुराणों में भी ऐसे कई उदाहरण हैं जो ये बताते हैं कि ये फॉरेन कॉन्सेप्ट नहीं है। आप खजुराहो के मंदिरों को ही देख लीजिए जो अपने इरोटिक स्कल्पचर्स के लिए फेमस हैं,
यहाँ भी सेम सेक्स रिलेशनशिप्स और होमोसेक्सुअलिटी को दिखाया गया है। भारत की LGBTQ कम्युनिटी के लंबे स्ट्रगल के बाद साल 2018 में सेक्शन 377 को हटा दिया गया। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ना एक ऐसा लॉ था जिसके अंडर सेम सेक्स रिलेशनशिप्स होना भी एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था, लेकिन आज भी हमारे यहाँ सेम सेक्स मैरिजेस को इलीगल माना जाता है। They say that marriage is only between male and female. Okay. किसने बोला? ये हमने एक इंस्टीट्यूशन फॉर्म की है ना मैरिज की। This is done by people only. Human beings, जो इंसानों ने बनाया है ये इंस्टीट्यूशन मैरिज का, तो हम सबके लिए जगह है। तो अगर आपके दिल और दिमाग इतने छोटे छोटे रखेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा ना, प्रगति आपकी नहीं होगी। प्यार के मायने सबके लिए अलग अलग है। किसी के लिए प्यार दोस्ती है तो किसी के लिए भरोसा और विश्वास। प्यार सुकून है, एक दूसरे से किया हुआ वादा है। प्यार वो है जो हमें सोने नहीं देता। प्यार वो है जिसके बिना सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। जब वीर चुपचाप जेल में रहता है ताकि जारा एक खुशहाल जिंदगी जी सके, वो भी प्यार है। जब अमन नैना को किसी और के हवाले कर देता है ताकि उसके जाने के बाद उसके प्यार को प्यार मिल सके, वो भी प्यार है। इतनी परिभाषाएं, इतने इंटरप्रिटेशंस, इतने सारे डिपिक्शंस, इस सब के बाद भी मैंने ये समझा है कि हर प्यार अलग है। इट इज व्हाट कीप्स अस गोइंग। तुम राम प्रिय, घनश्याम प्रिय, तुम श्याम श्वेत में भेद प्रिय, तुम जाम प्रिय, तुम जाम प्रिय, तुम बारिश का अंजाम प्रिय, तुम नजरों की हो झिझक प्रिय, तुम लहरों का आनंद लिए, सूने आकाश की आंखों में तुम चंदा का इंतजार प्रिय, तुम बरसाने का प्रेम प्रिय, तुम मिथिला के सिद्धांत लिए, तुम राम प्रिय, घनश्याम प्रिय, महादेव प्रिय, तुम काम प्रिय। जग में बाकी ना अब कुछ भी, जग में बाकी ना अब कुछ भी, बस तेरा ही एक नाम प्रिय।